इन दिनों हर जगह बहुत चर्चित सीडी कांड की बात हो रही है और यौन शोषित युवक की मौत भी हो गई है और उसके फेसबुक अकाउंट पर, उसके फेसबुक पेज पर एक सूचना मिली है। आइए हम आपको बताते हैं हमारी पूरी रिपोर्ट में कि क्या है इस केस से रिलेटेड पूरी सूचना। निलंबित भाजपा संगठन मंत्री प्रदीप जोशी का सेक्स कांड चर्चा में है। अग्निबाण ने यौन शोषित युवक की हत्या की आशंका का समाचार प्रकाशित किया था, जो सही साबित हुआ। कांग्रेस ने यौन शोषित युवक अंकुर रघुवंशी की संदिग्ध मौत को हत्या बताते हुए पुलिस से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सेक्स कांड में कई नए चौंकाने वाले तथ्य उजागर हो रहे हैं, जिनमें एक बड़ा तथ्य ये भी है कि 7 मई को अंकुर की मौत हुई और 8 मई को उसकी फेसबुक पर उसके आकस्मिक निधन की सूचना देकर अंतिम यात्रा का समय बताया गया। यानी उसकी फेसबुक कोई और चला रहा है, जिसके चलते उसकी और अन्य युवाओं की अश्लील चैट और वीडियो भी उजागर हुई है। इस पूरे मामले पर भाजपा ने जहां मौन धारण कर रखा है, वहीं उज्जैन, इंदौर से लेकर भोपाल तक सोशल मीडिया के जरिए उजागर हुए इस यौन शोषण कांड के कई नए तथ्य सामने आ रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व उज्जैन से जुड़े इस मामले का जब भंडाफोड़ हुआ, तो संगठन मंत्री प्रदीप जोशी की अश्लील चैट और एक अत्यंत आपत्तिजनक 5 सेकंड की वीडियो क्लिप सामने आई, तो तुरंत ही उन्हें निलंबित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व प्रदेश में जब शिवराज सरकार थी, तब उनके काबीना मंत्री राघव जी की ऐसी ही अश्लील सीडी उजागर हुई थी, जिसके चलते उन्हें तुरंत मंत्री पद से हटाते हुए भाजपा से निलंबित किया गया था और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। अब इस कांड को राघव जी पार्ट 2 के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया कि 20 दिन पहले यौन शोषण का मामला चर्चा में आया था और जब इसे उजागर किया गया, उसी वक्त कांग्रेस ने आशंका व्यक्त की थी कि यौन शोषित युवक की हत्या कर दी गई है। अब ये आरोप सही भी साबित हो गया, क्योंकि इस कांड में लिप्त एक शोषित युवक अंकुर रघुवंशी की पिछले दिनों आकस्मिक मृत्यु हो गई। ये युवक कुछ वर्षों से प्रदीप जोशी से जुड़ा हुआ था और उज्जैन से लेकर ग्वालियर तक उनका लगातार यौन शोषण किया जाता रहा, जिसके चलते कुछ समय पूर्व वो कुछ यौन बीमारियों से पीड़ित भी हो गया। तत्कालीन शिवराज सरकार से मदद दिलवाकर उसका इलाज भी करवाया गया। कुछ समय पूर्व प्रदीप जोशी ने अंकुर से मिलना जुलना कम कर दिया। इसका खुलासा भी उसने जोशी के साथ उजागर हुई चैट में किया है कि आजकल आप मुझे अपने साथ नहीं रखते हो, मैंने कई नए लड़कों को आपके साथ देखा है। दरअसल अंकुर अपनी उपेक्षा से परेशान हो गया था। कांग्रेस का आरोप है कि उसने जब प्रदीप जोशी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तब सुनियोजित तरीके से शराब में उसे कुछ मिलाकर पिला दिया गया, जिससे 7 मई को उसकी मौत हो गई। शाम 6 से 7 बजे के दरमियान अंकुर की मौत हुई और उसके बाद उसका मोबाइल हासिल किया गया, जिसमें से चैटिंग और कुछ अन्य रिकॉर्ड मिटाए गए। अंकुर की फेसबुक प्रोफाइल पर उसके मरने के अगले दिन सुबह यानी 8 मई को ये खबर पोस्ट की गई है कि अंकुर रघुवंशी का आकस्मिक निधन हो गया है। उसकी अंतिम यात्रा सुबह 10 बजे सखीपुरा रंगबावड़ी उज्जैन से निकलेगी। इस पोस्ट में भी कई लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा है कि अंकुर तो अच्छा भला था, अचानक उसकी मौत कैसे हो गई। कांग्रेस के प्रदेश सचिव यादव का आरोप है कि अंकुर की सुनियोजित तरीके से हत्या की गई और ताबड़तोड़ बिना पोस्टमार्टम करवाए उसका अंतिम संस्कार अगले दिन कर दिया गया। उसी के फेसबुक पेज पर उसके निधन की सूचना उसके ही अकाउंट से पोस्ट करने से यह साबित होता है कि उसका फेसबुक अकाउंट कोई और चला रहा है और उसी के पास उसका मोबाइल भी है। उसके परिवार पर दबाव डालकर और संभवतः पैसे देकर इस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया गया है, क्योंकि अंकुर रघुवंशी भी गरीब सामान्य परिवार का ही है। इसमें एक और चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई है कि अंकुर के 1 महीने के भीतर ही उसके भाई ने नई जेसीबी खरीदी और उसकी भी सूचना उसने अपनी फेसबुक पोस्ट पर दी। कांग्रेस का आरोप है कि कुछ लड़कों की स्वैपिंग इसी तरह की जाती है और अभी तक ऐसे 17 से अधिक लड़कों के नाम सामने आ चुके हैं जो इस तरह यौन शोषण के शिकार हैं, इन भाजपा नेताओं से हुए हैं। लिहाजा कांग्रेस ने मांग की है कि इस पूरी मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि इस पूरे सेक्स कांड की हकीकत सामने आ सके। इस संबंध में एडवोकेट शैलेंद्र सिंह चौहान के माध्यम से कल ही उज्जैन एसपी को पूरे मामले की जांच करवाने का पत्र सौंपा है और साथ में वीडियो और अश्लील चैटिंग सहित अन्य सबूत भी दिए गए हैं। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा कि 17 से अधिक युवाओं का यौन शोषण हुआ और इसके मुख्य आरोपी निलंबित भाजपा के संगठन मंत्री प्रदीप जोशी हैं, लिहाजा उनके साथ अन्य पार्टियों के लोग भी शामिल हैं। इस पूरे सेक्स कांड की जांच जरूरी है।
युवक नाबालिग भी बताए जा रहे हैं, जिसके चलते पॉस्को एक्ट के तहत की गंभीर मामला बनता है। संबंधित लोगों के मोबाइल जब्त कर उनको डेटा अगर रिकवर किया जाएगा तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। भाजपा के निलंबित संगठन मंत्री प्रदीप जोशी के साथ जो अश्लील चैटिंग सामने आई है, वो अंकुर रघुवंशी की फेसबुक प्रोफाइल पर ही उसकी मृत्यु का खुलासा हुआ है। वहीं अन्य चैटिंग में कुछ अन्य युवाओं, जिनमें भाजयुमो के अध्यक्ष सहित अन्य युवक शामिल है, अंकुर रघुवंशी ने भी पिछले वैलेंटाइन डे पर अपने फेसबुक पेज पर ये पोस्ट किया था कि मैं आई लव यू किसको बोलूं, तो उसके मैसेज बॉक्स में कार्यकर्ता ने लिखा था भाई साहब को ही बोल दो। ऐसी कई पोस्ट सामने आई है जिसमें प्रदीप जोशी के साथ उसकी मोहब्बत और इस तरह की कई अश्लील बातें की गई है। अभी तक जितनी भी चैटिंग सामने आई है वो फेसबुक मैसेंजर के जरिए की गई है। कांग्रेस का आरोप है कि इसमें कई लड़कों की सप्लाई भी की जाती रही है और बीच में कुछ लोग दलाली का काम करते हैं, जिसके चलते कई युवाओं की चार चार फेसबुक प्रोफाइल सामने आई, जिसका उपयोग स्वैपिंग के लिए किया जाता है। अभी यह मामला उजागर होने के बाद कई युवाओं ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल को हटाने और डीपी से लेकर चैटिंग को भी नष्ट करने का काम किया। लिहाजा अब तक इन सभी के मोबाइल जब्त कर डेटा रिकवर नहीं होंगे। अब तक युवाओं के साथ हुए इस यौन शोषण का पूरा खुलासा नहीं हो चुका है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।